प्रोटीन मानव शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, आज हम बात करें सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है। एक स्वस्थ मानव के शरीर में लगभग 62% पानी, 16 ग्राम प्रोटीन, 6% खनिज और 1% के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ ही साथ कुछ विटामिन और कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रोटीन हमारे बालों के लिए, मांसपेशियों के लिए, त्वचा के लिए, हड्डियों और नाखूनों और रक्त कोशिकाओं के लिए जरूरी है। साथ ही साथ मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, वैसे तो माना गया है एग सबसे अच्छा सोर्सेस है प्रोटीन का। लगभग एक अंडा में 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, एग के अलावा कुछ ऐसे वेजिटेरियन फूड्स भी हैं जिसमें अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे वेजिटेरियन फूड्स के बारे में जिसमें नॉनवेज से भी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिक्स पैक माइलस्टोन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। पहला सोर्सेस है सोयाबीन। फ्रेंड्स, आप देखते हो प्रोटीन पाउडर में सोयाबीन का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई के साथ साथ इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, लगभग 100 ग्राम सोया में 50 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है जो एक नॉनवेज से भी ज़्यादा है। फ्रेंड्स, दूसरा नंबर पर आता है पनीर। पनीर दूध से बना होता है और दूध में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दूध में कैल्शियम होता है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसमें साथ साथ प्रोटीन पाया जाता है, कार्ब भी पाया जाता है और फैट भी पाया जाता है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लगभग 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, तीसरा नंबर पे आता है मूंग की दाल। मूंग की दाल सबसे अच्छा सोर्सेज है प्रोटीन का जो एक सबसे सस्ता सोर्सेज माना गया है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 100 ग्राम मूंग की दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये सबसे अच्छा सोर्सेस है प्रोटीन का। चौथे नंबर पे आता है बादाम। फ्रेंड्स, बादाम में वैसे वेट बढ़ाने के लिए काम आता है, इसमें फैट पाया जाता है और आपकी जानकारी के लिए बता दें, लगभग 100 ग्राम बादाम में 21 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, पांचवें नंबर पे आता है काजू। वैसे तो काजू के बहुत ही सारे फायदे हैं, ये आपको वजन बढ़ाने में, आपकी स्किन को ग्लो करने में काजू बहुत ही कारगर साबित है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 100 ग्राम काजू में लगभग 553 कैलोरी, 44 ग्राम फैट और लगभग 18 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, छठे नंबर पर आता है दूध। दूध में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, साथ ही साथ इसमें कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में कारगर होता है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 लीटर दूध में लगभग 40 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, सातवें नंबर पर आता है अंकुरित अनाज। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। लगभग 1 कप अंकुरित अनाज में फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, लगभग 15 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आठवें नंबर पर मूंगफली। मूंगफली में भरपूर मात्रा में फैट पाया जाता है और इसमें भरपूर मात्रा में फैट के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 26 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम मूंगफली में। फ्रेंड्स, नवे नंबर पर आता है चना। चने के वैसे बहुत सारे फायदे हैं, इसे उबाल कर भी खा सकते हैं, इसे भून कर भी खाया जाता है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लगभग 100 ग्राम चने में 15 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड, दसवें नंबर पर आता है दही। दही दूध से बना होता है और आपको पता है दूध में प्रोटीन होता है और साथ साथ कैल्शियम होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 कप दही में लगभग 11 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, प्रोटीन कितना लेना चाहिए ये सब डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर में, आपके दिनचर्या के ऊपर में, आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर में, आप कितना वर्कआउट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स, आपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी पाने के लिए नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।